स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विथ थ्री डिजिट नंबर्स, राइट। चलिए, तो काउंटिंग हम लोगों की स्टार्ट होती है वन से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। तो यहाँ पे हम देखें अगर जो ध्यान से, तो जो हमारा नाइन होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। यानी अगर जो हम वन डिजिट नंबर की बात करें, वन डिजिट नंबर, तो वो हम लोगों का क्या होगा? वो होगा नाइन, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं कि नाइन के बाद क्या आता है हम लोगों का? आता है टेन, और टेन के बाद इलेवन, ट्वेल्व, ऐसे करते करते हमारी जो काउंटिंग होती है वो जाती है 99 तक। तो अगर जो हम यहाँ ध्यान से देखें, तो टेन जो होगा हम लोगों का स्मॉलेस्ट, टेन जो होगा वो है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, राइट। एंड जो 99 होगा वो होगा लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर। ऐसा क्यों होता है? आप अगर जो काउंटिंग में देखें, अगर जो आप 99 से आगे बढ़ेंगे, 99 से अगर जो आप आगे बढ़ेंगे, मीन्स उसमें प्लस वन करके देखते हैं, तो हम लोगों का आता है ये। इसमें देखें ध्यान से, इसमें कितने डिजिट हैं हम लोगों की? इसमें हम लोगों की तीन डिजिट हैं, एक, दो, तीन। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि टू डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या आ जाएगा वो? 99। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा थ्री डिजिट नंबर, जो कि हमारा ये मेन है, मतलब जिसके बारे में हमें आज यहाँ पर रीड आउट करना है। 99 के बाद क्या आएगा? 100। और अगर जो हम इन थ्री डिजिट संख्या की बात करें, ये कहाँ तक जाएंगी हम लोगों की? जाएंगी 999 तक। ये इसको हम क्या पढ़ते हैं? 100। और इसको क्या पढ़ते हैं? 999, मीन्स 999। तो यहाँ पर अगर जो हम ध्यान से देखें, ये बड़ा होगा और ये हमारा नंबर छोटा होगा। 100 जो होगा वो स्मॉलेस्ट वाला होगा, स्मॉल होगा, और जो 999 है वो ग्रेटेस्ट होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये अगर जो हम इनको अबेकस पे देखें ऐसे, तो सबसे पहला आता है वंस, फिर आती है टेंस वाली डिजिट, और फिर आती है हंड्रेड वाली डिजिट। तो हम कोई भी संख्या उठा सकते हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे 3, 1, 4। तो हमें इससे क्या पता लग रहा है? जो हमारा फोर आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा? वन वाली पे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फोर सर्कल बना देते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग वंस पोजिशन। फिर आते हैं टेंस पे, टेंस पे हमारा कितना लिखा हुआ है? वन। तो वहाँ पर हम सिर्फ एक सर्कल बना देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है टेंस को। और हंड्रेड में हमारे बने हुए हैं थ्री सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हंड्रेड को। मीन्स जो हमारा ये 3, 1, 4 है, तो फोर आ गया वंस की पोजिशन पे, वन आ गया टेंस की पोजिशन पे, और थ्री आया हंड्रेड की पोजिशन पे। वंस का मतलब क्या है? कि उसमें एक ब्लॉक है। अगर जो हम इनको इन वाले फिगर्स के ज़रिए दिखाएं, तो वंस का मतलब क्या है? सिर्फ एक। टेन में क्या होता है? एक टेन में टेन वंस होंगे, यानी 10। ये ब्लॉक के ज़रिए बात करें तो ये जो छोटा सा ब्लॉक है, ये वाला, अगर जो हम इसके जैसे 10 ब्लॉक्स को एक साथ रखें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया हम लोगों का 10।
तो ये जो पूरी एक लैडर है वो टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। कितने टेंस को? एक टेंस को, वन। टेंस का मतलब हुआ टेन, वंस, यानी एक दस में दस एक होंगे। तो अगर जैसे हम हंड्रेड की बात करें, वो एक हंड्रेड में कितने टेंस होंगे? टेन टेंस होंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर अगर जो हम इनको काउंटिंग करें तो कितने कितने टेंस हैं इसमें? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेंस। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि वन टेंस में टेन वन आएंगे, वंस आएंगे, और वन हंड्रेड में टेन टेंस आएंगे, राइट? आप इस चीज़ को इन क्वेश्चंस पर ट्राई करके देखिए। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।